पहली बार बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है नंबर वन टीम बन गई है। और जो लोग ये बोला करते थे कि बाबर आजम की कप्तानी, इनको कप्तानी से हटा दो, इनको ये चीज से हटा दो, इनको वो चीज से हटा दो, आज देख लो आपकी टीम जो है बाबर आजम की कप्तानी में ही दुनिया की नंबर वन टीम बनी है, दुनिया की नंबर वन ओडीआई टीम बन गई। शायद आपका लेजा जो है आप लोगों का ठंडा हो गया होगा। अगर आपके पास एजेंडा है तो अपने पिछवाड़े में एजेंडा डाल लो, क्योंकि एजेंडा एजेंडा कितना भी चलाते रहोगे ना, मैंने पहले भी बोला था कि बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर जो है इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में है, वर्ल्ड क्रिकेट में है। और वो एक शेर है ना कि नूरे हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुद खुदा उसे मिटा सकता है कौन। बाबर आजम खुदा की देवी सौगात है और इसी वजह से इतना ट्रोल, इतना मजाक, इतना एजेंडा ये सब चलाने के बावजूद भी ये बंदा शतक पर शतक मार रहा है। थोड़ी तो शर्म कर लो दल्लो, थोड़ी तो शर्म कर लो दल्लो, है कराची मीडिया माफिया और जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए रहते हैं, ताकि मैं इंडिया का सब्सक्राइबर लेने के लिए जो है चाटते रहते हो सालों, कम से कम थोड़ी तो इज्जत दे दिया करो अपने प्लेयर्स की, कम से कम बाबर आजम की तो दे दिया करो। हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। बहरहाल इस और कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमसे कर सकते हैं। बाबर जस्ट री राइट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, कमाल किया यार पाकिस्तान के लिए जो है ना, कहते हैं ना एक ही सोना है, मतलब एक गोल्डन बॉय जो है ना आप लोगों का, वो ये है बाबर आजम है हम लोगों का, जैसे है ना। हाँ स्टैट पैडर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा था बाबर आजम अगर स्टैट पैडर है ना तो मैंने भी देखा था श्रीलंका के खिलाफ जो चमिका करुणा रत्ने और कसुन रजिता की गेंदों पे जो शतक आया था ना, वो शतक आया था, वो भी मैंने भी देखा था, वो फट्टा विकेट पे जो शतक आया था श्रीलंका के खिलाफ, दो बैक टू बैक सेंचुरी, और न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ जिसमें ईशोडी नहीं खेल रहे थे, मिचेल और टीम सऊदी नहीं खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे थे उस मैच में, उस पूरी सीरीज में केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, और उनके खिलाफ जो है तीन मैच खेल के 55 रन बनाया था। अरे लानत है। इसके बाद जब असली असली टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मुकाबला हुआ था ना, वहां भी फट गई थी, आखिरी मुकाबला था, उस मुकाबले में मैच जिताना था, 72 गेंदों में 54 रन बना के स्टैट पैडिंग करके निकला था उस दिन। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा बहुत तबीयत से, हम समझ सकते हैं आपका दर्द कितना ज्यादा होगा। बर्नोल कसम से मेरे पास है नहीं, अगर रहता ना तो मैं भिजवा देता प्रॉपर तुम्हारे एड्रेस पर, एक नहीं भिजवाता पूरा का पूरा कार्टून भिजवा देता, क्योंकि जरूरत है आपको बर्नोल की अगले 5 सालों तक का, कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए ना, पहले से अपने पिछवाड़े पर लगा के रखना जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आएंगे, चाहे पाकिस्तान के लिए हो या फिर पीएसएल मैच के लिए हो। तो ये जो स्टैट पैडिंग और ये वो बात करते रहते हैं ना, स्टैट पैडिंग वो होता है कि मैच खेले, रन्स बनाए लेकिन टीम नहीं जीती। आज बाबर आजम ने रन्स बनाया और टीम जीती है और नंबर वन टीम अपनी टीम को बनाया है। तो जहां तारीफ लगता है ना लकर बग्घो, वहां तारीफ किया करो, वहां किया करो, ठीक है भाई, वहां किया करो। अगर नहीं कर सकते हो तो निकल लो आर स्पेस से, जरूरत नहीं है तुम्हारी भाई यहाँ पे, अपने बाप वहां पे वासे हबीब है वहां पे, उन पे जा। आज भी वो साला गलती कुछ ना कुछ निकाल रहा होगा, फिर जा। मैं कसम से कराची में रहता ना, इतनी जूते मारता, इतना जूता मारता ना उस बहन के टके को, मैं क्या ही बताऊं।